जनता पार्टी ने असंध से अपना उम्मीदवार उतार दिया है। ब्रीश शर्मा जी ने असंध विधानसभा से नामांकन पत्र भर लिया है। असंध की जनता के बीच में होंगे, क्या कुछ सर आप कहेंगे उसके बीच में? ब्रीश शर्मा असंध विधानसभा से बहुत बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, सबका आदरमान करते हैं। हमारी पार्टी का घोषणा पत्र बहुत अच्छा है, इसलिए जीत निश्चित है। आपकी टक्कर किस पार्टी से होने वाली है जी? इसी से नहीं टक्कर। असंध विधानसभा से बहुत अंतिम जो लिस्ट आई उसके अंदर नाम आया है, क्या कुछ उसके बीच कारण? हाँ, अंतिम लिस्ट में नाम है, अच्छे हैं तभी तो आया। बिल्कुल, तो ब्रीश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने जननायक जनता पार्टी से उम्मीदवार घोषित किया गया असंध विधानसभा से विधायक पद का चुनाव लड़ने के लिए, आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। सर कैसा समर्थन आपको मिल रहा है आज आपने नामांकन पत्र भरा जी? कल 2 बजे जननायक जनता पार्टी के हमारे नेता दुष्यंत चौटाला जी ने सभी सीनियर साथी के परामर्श से असंध विधानसभा के सभी जनता के से पूछने के बाद ये टिकट की घोषणा की, और कल के शॉर्ट नोटिस पे किसी को कोई गाड़ी नहीं दी, सभी अपने निजी वाहनों से, ट्रैक्टर ट्रालियों से, ट्रैक्टरों से, कारों से, मोटरसाइकिलों से काफिला बना करके आए, और उसमें 36 बरादरी के लोग शामिल थे, और सभी जननायक जनता पार्टी के हमारे सभी सीनियर नेता सारे यहाँ पर खड़े हैं, और जिस प्रकार का जोश आज देखने को मिला, निश्चित तौर पे ये सीट डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की झोली में डालने का काम असंध विधानसभा की जनता करेगी जी। तो आपका लक्ष्य क्या है जेजेपी का? बीजेपी पिछहत्तर पार कह रही है, आपका कुछ लक्ष्य? जो बीजेपी के साथी जो पहले 75 पार की बात करते थे जी, अब आज से पिछले 10 दिनों में 45 से 50 सीटें लेने की बात करने लग गए, और इसके बाद जो टिकटों का वितरण हुआ, जिस प्रकार से इनकी टिकटें बेची गई, विपुल गोयल जो इनके मंत्री थे, हर पार्टी में अच्छे और बुरे लोग हुआ करते हैं, जिस प्रकार से उनका टिकट काट दिया, एक अन्य मंत्री का टिकट और काट दिया, तो निश्चित तौर पर उस पार्टी वो खंड खंड होने का काम हुआ, और जब तक चुनाव आएंगे तो 25 से नीचे वो लोग रहेंगे, इस बात का मैं दावा करता हूँ। और जहाँ तक आपने एक सवाल किया था कि शर्मा जी की टिकट लेट घोषित हुई, उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा, जैसे हमारे आदरणीय फॉर्मर स्पीकर सतबीर कादियान जी हैं, सरदार निशान सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, केसी बांगड़ जी हैं, दुष्यंत चौटाला जी के साथ, हमारी सभी की ड्यूटी थी कि हरियाणा में जो अच्छे प्रत्याशी हैं उनका चयन हमने मिलकर करना था, इस वजह से टिकट बाद में हुई, और जिस कैंडिडेट की इज्जत जनता के दिलों में है वो तो 2 दिन में भी चुनाव जीत जाया करता है, और ये आपको आज उदाहरण आपको देखने के लिए मिला जी। अंतिम प्रश्न, असंध विधानसभा से किस मुद्दे के आधार पर चुनाव लड़ोगे? बीजेपी के अंदर भी विरोध चला हुआ है स्थानीय को लेकर, क्या कुछ उसका आपको फायदा होगा? जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, मैं समझता हूँ जितने विधायक असंध से रहे, जनता ने उन्हें बना तो दिया, लेकिन बाद में जो उनके वोटर हैं उनमें निराशा देखने को मिली। मैं एक बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि असंध विधानसभा के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो मैं किसी को निराश नहीं होने दूंगा, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। जहाँ तक असंध विधानसभा की बात है, सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं, क्राइम ग्राफ बढ़ा हुआ है, जो असंध का व्यापारी भयभीत है, भय की अवस्था में, व्यापारी सबसे पहले चाहता है सुरक्षा, क्योंकि वो जो टैक्स भरता है उससे देश चलता है, सरकार का खजाना भरने का काम व्यापारी करता है। मैं एक बात बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि व्यापारी की सुरक्षा में कोई कोर कसर नहीं रहेगी और गुंडों की जगह जेल में होगी। तो मेरा कहने का मतलब, इसके अलावा अनेक मुद्दे, जैसे असंध को जिला बनाने की बात, इसके लिए हम पूरे प्रयास करेंगे कि असंध को जिला बनाया जाए, और जितने भी यहाँ पर, चाहे शिक्षा का स्तर हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी के बारे में अगर मैं बात कर लूँ, मैं खुद हेपेटाइटिस बी से ग्रसित हुआ, 2013 में यहाँ का पानी इतना ख़राब हो चुका है, यहाँ के पानी में सोरा है, यहाँ पर कैंसर
और काले पीलिए जैसी भयानक बीमारी यहाँ पर पनपी हुई है और सभी लोगों के पास आज इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं है। 4-4 लाख रुपए के टिक्के लगते हैं, कहाँ से लाएंगे? तो सबसे पहले दुष्यंत चौटाला जी ने भी ये घोषणा की थी कि हम प्रत्येक गांव में आरओ के पानी की व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा जो घोषणा पत्र में उसका मैनिफेस्टो आपको दे देंगे जी। धन्यवाद जी। तो ब्रीज शर्मा ने जननायक जनता पार्टी से उम्मीदवार जो चुना गया उनको आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। असंत विधानसभा से लगभग सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अब देखना ये होता है कि असंत की जनता किससे अपना आशीर्वाद देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा बात असंत देख रहे हैं आप, मैं हूँ विशाल गोयल। जय हिंद, जय भारत।